दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोरम पर एक अतरा तरफ से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, तभी बस स्टॉप के पास एक मकान पर जा घुसा, जिससे पूरा मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। वही अन्य जानवरों की भी दबकर मौत हो गई, जिसके घर के अंदर एक घायल हो गया। इस मामले में मकान मालिक बबेरू कोतवाली पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तहरीर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोरम गांव का है, जहां पर एक अतरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, तभी कोरम गांव पर अन्य जानवरों को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर राम नरेश पटेल पुत्र दुर्गा प्रसाद के रिहायशी मकान पर घुस गया। अंदर सो रहे राम नरेश पटेल 40 वर्ष, उनकी पत्नी शीला देवी 35 वर्ष, पुत्र हरिओम 13 वर्ष पूरी तरह से सहम गया, जिसमें राम नरेश को हल्की चोटें आई है, बाकी को सही सलामत मोहल्ले के लोगों ने निकाला, लेकिन उनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वही मौके पर ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मकान मालिक राम नरेश पटेल ट्रक ड्राइवर के खिलाफ बबेरू कोतवाली पर तहरीर दिया। वही दूसरी तरफ दोपहर में ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर आधे घंटे तक चक्का जाम किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और पुलिस क्रेन मंगवाकर फंसे ट्रक को बाहर निकलवाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी राशि कुमार पांडे, एसआई दीपक मिश्रा, शिवपाल यादव, लाखन सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद त्रिपाठी, जितेंद्र पांडे सहित काफी संख्या पर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।